मतलब शायद एम स्टार टेलर के साथ। दोस्तों जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में आपको शर्टें और कमीज़ें वगैरह बनाकर दिखाई थी, समझाई थी आप लोगों को, और आज इसी के साथ हम एक सूट का डिज़ाइन बनाएंगे जो इस तरह का होगा। देखा आपने ये किस तरह का डिज़ाइन था, हमने इस तरह का डिज़ाइन आपको आज बनाकर दिखाना है, सिलाई करनी है कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है, आज हम आपको यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल एम स्टार टेलर को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो चलते तो इस तरह से आप मेरी वीडियो में आ चुके हैं। ये देखें दोस्तों, ये जो हाला है और ये इसका शोल्डर, हमने ये कटाई की थी। पहले तो हम हाले में इसको यहाँ से सीधे काट लेते थे, इसका सामनी पट्टी लगाते थे, लेकिन नहीं, इस तरह से हमने यहाँ से यूँ तिरछा करके तकरीबन 6 इंच का हमने कट दे देना है, 7 इंच का, ये देखें यहाँ तक। इसको काट देने के बाद हल्का सा आप यहाँ से इस तरफ पर और हल्का सा यहाँ से इस तरफ पर काट देंगे, छोटा सा देना, ज़्यादा नहीं। इस तरह से काट देने के बाद अब हम, ये है हमारा बुकरम, और बुकरम तकरीबन कोई 1 इंच से ज़्यादा का काट लेना है, 1 इंच से ज़्यादा का काट लेना है। इसको काटने के बाद हमने फिर इसको यहाँ से सीधा कर लेना है, यहाँ से हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद 7 इंच का हमने काट दिया था, हम यहाँ पर 10 का कर लेते हैं। चलो 10 का करने के बाद हमने इसका, ये देखें, इसको बिल्कुल सेंटर करना है। इस तरह से सेंटर करने के बाद ये हो गया सेंटर, और हम यहाँ से बिल्कुल बराबर का काट दे देंगे। ये देखें आप, इस तरह से काट देने हैं दो, और ये जो सेंटर वाला होगा हमने इसको खींच लेना है सेंटर वाले को। इस तरह से खींचने के बाद हमने यहाँ से इसको काट लेना है, ये देखें बिल्कुल सीधा हमने इस तरह से इसको बना लेना है। ये अब हमारी किस्म की सावनी पट्टी, और ये होगी अब हमने यहाँ की बटन टेप काटी है। ये हमारी आगे बटन टेप, और हमने इसकी बैंड भी निकालनी है 1 इंच 170 की, हमने 2 पीस निकालने हैं यहाँ से। ये देखें आप, 2 पीस निकालने के बाद हमने यहाँ से हल्का सा इस तरह से क्रॉस देना है, और यहाँ पर हमने इसकी, और यहाँ से हमने बुकरम को, ये तकरीबन 15 इंच का होना चाहिए, इसको ये देखें, और दूसरे वाली को इसके ऊपर रखना है। और निशान लगा लेना है पेंसिल से, इस तरह से आप लोगों ने बहुत निशान लगा लेना है। ये अब हमारी जो थी ये बन चुका है, अब हमने इसको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद हम इसकी सिलाई करके भी आपको दिखाते हैं ये किस तरह से की जाती है, और चलें आगे चलते हैं इसको प्रेस करने। उसके बाद दोस्तों हमने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद हमने इसको यहाँ से इस्त्री से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमने ये जो बैन काटी है, इस बैन को हमने यहाँ पर प्रेस करना है। बैन इस तरह की होती है, ये काट जो ज़्यादा होता है ये नीचे होना चाहिए, कम वाला ऊपर होना चाहिए। प्रेस हो गया है, उसके ऊपर ये दूसरा, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर
जहाँ पर आप हल्का हल्का पानी मार लेना है। पानी मारने के बाद दोस्तों हमने इसको यहाँ से काट लेना है और यहाँ इसको इस तरह से काट लेना है। इस ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करना है क्रोम के ऊपर ऊपर। और ये हमारी बैंड जो थी अब तैयार हो चुकी है। उसके साथ ये है अब ना बटन टेक। अब हमने ये जो काटी थी इसको हमने अब बनाना है। और इसको तो दोस्तों हमने जो पिछले वीडियोस में हमने अपना कमीज़ों की ये बनाई थी बटन टेक जिस तरह से बनाते हैं, ये भी उसी तरह से बनानी है और बिल्कुल उसी तरह से ये बनानी है। यहाँ से हमने कपड़े को काट लेना है। काटने के बाद इसको इस साइड पर फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था लेकिन नए दोस्तों के लिए मैं फिर ये समझा देता हूँ। इसको हमने हल्का हल्का पानी मार लेना है। पानी मारने के बाद फिर से इस त्रिस के ऊपर मारेंगे और इसको फोल्ड करना है इस साइड पर। फिर से इसके ऊपर इस्त्री मारनी है। और ये देखें आप, ये जो थी बटन टेक तैयार हो चुकी है। और इसके साथ ही हमने अब जो सामने है डिज़ाइन बनानी है जिसके ऊपर जो हमने अपना कट दिया था उस कट के वो हमने इस तरीके से रखना है। ये देखें आप, देख सकते हैं आप इसको, ये इस तरीके से रखने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे। और जो ये हमने काट अपना काटी थी इसको हमने यूं रखना है बिल्कुल सेंटर में। हमने इसको इस्त्री से प्रेस करना है। ये देखें आप, अब ये बिल्कुल प्रेस हो चुकी है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का पानी मारेंगे और जो ये वाले कपड़े बच रहे हैं इनको हम दूसरी तरफ बुकरम के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। दोस्तों इसको बिल्कुल सफाई के साथ करना है क्योंकि ये तो सामना होता है ना इसलिए। और दूसरी साइड पर जो उसको भी हमने बुकरम के ऊपर ही इसी तरीके से हम इसको करते जाना है। इसी तरह हम इसके चारों तरफ हम तीनों तरफ हम इसके कपड़े को हमें इसी तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप ये भी चारों तरफ अब हम इसकी भी सिलाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने ये अब चिपकाने के बाद हमने इस बटन टेप को यहाँ से सिलाई लगा लें। इसको सिलाई ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। अब हम इसको ये देखें कि हमने इसको इस तरीके से रखना है, ये इस तरीके से। और यह बटन टेक हमने इसके नीचे सिलाई करनी है। इस तरह से हमने इस बटन टेक को भी रखना है, ये देखें आप। और इस तरीके के साथ हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। बिल्कुल आखिरी सिरे पर सिलाई करनी है इसकी।
तरीके से हम इसको सिलाई करते जाएंगे। और यहाँ से टर्न हो जाएंगे। और यहाँ से फिर से दोबारा यहाँ तक आकर हमने इसको फिर से इस तरह से टर्न होना है, दोबारा सिलाई को लेकर आना है इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई मार। उसके बाद दोस्तों इस तरह की आपने एक बारीक सी रस्सी ले लेनी है, ये डोरी होती है, ये इस तरह से लेनी है। और हमने इसको तकरीबन इस तरह से एंगल इसका बनाना है, इस तरह से एंगल बनाने के बाद हम यहाँ से इसको काट देंगे। ये देखें, काटने के बाद हमने इसको यहाँ से सिलाई इसकी शुरू करनी है। अब और इसको हम इस तरह से सिलाई कर देंगे और एक लग गई। और उसके बाद हम फिर इसी तरह से इसके साइज का काट लेंगे एक, और ये काट गया। इसी तरह से हम सारे तकरीबन एक साथ हम इनको काट देंगे, ढेर सारे इस तरह से हम इनको काट लेंगे। ये हो गया 3 और उसके साथ ये हो गया अपना 4। इसी तरह से हमने इनको काटने जाना है। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं, कम हो जाएंगे फिर एक दो, फिर बाद में हम फिर से काट लेंगे। ये देखें, ये कट गया। इसके बाद फिर से एक और, और इसी तरह से हमने यूँ छोटे छोटे इनके पीसेस कर लेने हैं। ये देखें इतने बहुत हैं। अब इनको हम इन सारों को एक साइड पर रख के एक ले लेंगे। इस एक में से हम इसको फिर इसी तरह से इसको बनाएंगे। ये देखें आप, इसको हम सिलाई करेंगे। आप सिलाई करने के बाद अब हम एक और ले लेंगे, एक और को भी हम उसी तरीके से ही करते जाना है। इन सारों को हमने ऐसे ही लगाना है क्लोज क्लोज करके। और एक लग गया, एक और इसके साथ 3 हमने लगा लिए हैं। और ये अब आ गया है 4th। चौथा भी लग चुका। इसी के साथ हमने दोस्तों 4 लगा लिए। और ऐसा करें कि 4 इसके साथ हम और लगा लेंगे इसी तरह से। जिस तरह से मैं ये करता जा रहा हूँ आपने इसी तरह से सारे कर लेने हैं। और जिस तरह से मैंने ये 5-6 लगाए हैं सारे, हमने यहाँ तक जो इस जगह तक हमने उसी तरह से लगाना है जिस तरह से ऊपर लगाया है मैंने, इसी तरह से बिल्कुल लगाना। इसी तरह से दोस्तों हमने ये सारी लगा ली। सारी लगाने के बाद हमने इसको यहाँ से फिर से वापस सिलाई ले जाना है, इस तरीके से वापस ले आना है सिलाई को। ये देखें अब जो था हमारा, ये भी अब बन चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें जो था हमारा बन चुका है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर बटन लगाने और ऊपर बैन लगानी है। और इसके बाद हम ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम अब आपको बैन लगा कर दिखाएंगे कि ये फुल डिज़ाइन फिर तब मुकम्मल हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों ये है बैन। बैन को हम इस तरह से यहाँ से हम सिलाई करेंगे बुकरम के साथ साथ सिलाई करेंगे। और यहाँ से भी इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये अब बैन बन चुकी है, ये देखें। अब हमने इस बैन को कमीज के ऊपर बस लगाना है। ये बैन बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये अब बैन जो थी हमारी बन चुकी है। बैन को हमने लगाना है इस तरह से, उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हमने इसको इस तरह से बैन बनानी है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इस बैन को बनाते जाना है। जिस तरह से ये मैं करता जा रहा हूँ, आप भी इसी तरह से इस बैन को बनाते जाएंगे। अब ये बैन जो थी, अब हमने इसको ये उल्टा करके इस जगह पर हमें सिलाई करनी है इसकी। इस तरीके से बिल्कुल बैन के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, नीचे नहीं उतारनी सिलाई को, नीचे नहीं करना। इसी तरीके से हम इस बैन को लगाते जाएंगे। आखिरी कोने के ऊपर बिल्कुल हमने सिलाई करनी है। यहाँ से ये उतान हो जाना है। और जो ये धागा, इस धागे को पकड़ लेना है हमने, बराबर करना है इस धागे। इस तरीके से हमें इसको बनाना है। इन धागों को काट लेना है यहाँ से। अब जो ये हमारा डिजाइन था, अब वो बन चुका है। और इस धागे को काट लेना है। ये देखें दोस्तों, ये डिज़ाइन अब जो था हमारा वो बन चुका है। ये देखें, सिर्फ यहाँ पर हमने सिर्फ बटन लगाने हैं। और जैसे मैंने फ़ोटो दिखाई आपको, उस फोटो की तरह ये देखें, ये भी डिज़ाइन अब हमारा तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं और किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना है। और
दोस्तों जिस तरह से आपने देखा मैंने ये डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाया है, और ये वीडियोस आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हम आपको आगे भी डिज़ाइनिंग करके दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।